आज का हम लोग का जो टॉपिक है टैली प्राइम में हम लोग जीएसटी को किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने सीखा था जीएसटी कैलकुलेशन करना, जीएसटी का आउटपुट निकालना, पर इस बार हम लोग जीएसटी का इनपुट और आउटपुट दोनों निकालेंगे और साथ ही साथ उसको एडजस्टमेंट भी करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले टैली प्राइम को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग एक कंपनी पहले फर्स्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से क्रिएट कंपनी में आएंगे और क्रिएट कंपनी में आने के बाद यहाँ पे सपोज जीएसटी एडजस्टमेंट, जीएसटी एडजस्टमेंट के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेट कंपलसरी है, ये हम लोग पहले भी जानते हैं कि हम लोग जब भी जीएसटी का अप्लाई करेंगे या जीएसटी का कैलकुलेशन करेंगे तो कंपनी बनाते वक्त हम लोग को वेस्ट बंगाल या कोई भी स्टेट एटलीस्ट देना होगा, नॉट एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। और आफ्टर ऑल कंपनी क्रिएट करने के बाद, इसका जो फीचर्स है इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है, जीएसटी का फीचर्स। ये दोनों फीचर्स को हम लोग यहाँ से, ये यहाँ पे एज इट इज़ जो पहले हम लोग यूज़ किया था सब कुछ सेम टू सेम उसी तरह से यहाँ पे अप्लाई होगा और यहाँ पे इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहला काम लेज़र क्रिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेज़र्स में जाएंगे, लेज़र्स में जाके यहाँ पे परचेज, अंडर परचेज, और यहाँ पे इसको गुड्स कर लेंगे क्योंकि गुड्स से रिलेटेड कर रहे हैं। सेल्स, अंडर सेल्स, और यहाँ पे जाके फिर उसी तरह से गुड्स ले लेंगे। उसके बाद बनाएंगे आउट, उसके बाद यहाँ पे बना लेते हैं आउटपुट सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी सेंट्रल टैक्स, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एक बना लेते हैं आउटपुट एसजीएसटी, इसको भी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे और यहाँ पे जीएसटी ले लेंगे, यहाँ पे स्टेट टैक्स, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद बनाएंगे इनपुट सीजीएसटी, इसको भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, यहाँ पे जीएसटी, यहाँ पे सेंट्रल टैक्स। उसके बाद इनपुट एसजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी स्टेट टैक्स। ठीक है, और एक बार एक बना लेंगे हम लोग जीएसटी पेएबल, ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर। ठीक है, उसके बाद अब क्या बनाना है, एक डेटर और एक क्रेटर बनाना है। सपोज डेटर, ये क्रेटर में हमने नया बना लिया, और क्रेटर में हमने, डेटर में हमने एक लेज़र बना लिया शुभम, इसको संडी क्रेटर में रखा डेटर में। ठीक है, आफ्टर ऑल सारे लेज़र क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ से बैक करेंगे और बैक करने के बाद यहाँ से हम लोग बैक करेंगे और बैक करने के बाद यहाँ से चले जाएंगे इन्वेंट्री ऑप्शन में। इन्वेंट्री ऑप्शन में यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप बनाएंगे, तो ग्रुप्स बना लिया, ग्रुप्स पर सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप्स बना लेंगे। ग्रुप्स में जैसे कुछ भी बना लिया, सपोज हार्डवेयर बोल के बना दिया यहाँ पे, इसके बारे में ये जो फीचर्स है इसके बारे में इससे पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि शेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स,
इसको यस हम लोग कब करते हैं, ग्रुप में यस कब करते हैं, यहाँ पे यस कर लेते हैं। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है, सपोज़ कंप्यूटर हार्डवेयर दे दिया, कंप्यूटर हार्डवेयर दिया, और इसका जो HSN कोड है वो यहाँ पे HSN कोड यहाँ पे इनपुट कर देंगे, और यहाँ पे जाके इसको ले लेंगे टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू लेने के बाद यहाँ पे हम लोग जितना परसेंट GST, जैसे 18% GST है, वो यहाँ पे देके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ कर लेने से क्या एडवांटेज होता है कि हम लोग को आइटम में फिर जाके नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे जैसे यूनिट ऑफ मेज़र में गए, अपना यूनिट बना लिया, पहले यूनिट ऑफ मेज़र बना लिया, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ से बैक करेंगे, स्टॉक आइटम में आएंगे। स्टॉक आइटम में यहाँ पे सपोज़ हम लोग यहाँ पे बना दिया कीबोर्ड बनाया, और कीबोर्ड को अंडर हार्डवेयर में रखा पीसेज, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे यस नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप में यस कर चुके हैं। और यहाँ पे भी अब हम लोग को कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं देना है क्योंकि हम लोग को पहले परचेस करना है फिर सेल करना है, इसलिए हम लोग ओपनिंग स्टॉक नहीं डालेंगे। और एक बना लिया माउस, ठीक है, कीबोर्ड और माउस हो गया, ठीक है। इसके बाद जब आइटम क्रिएट हो जाए तो इसके बाद यहाँ से हम लोग बैक करेंगे, और बैक करने के बाद हम लोग कहाँ आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे सीधे अकाउंटिंग वाउचर यानी वाउचर एंट्री में आ जाएंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे, परचेस करेंगे। परचेस करते वक्त सपोज़ यहाँ हमने दिया PB001, और पार्टी का नेम जो है, मतलब जिस पार्टी से हम परचेस कर रहे हैं वो नायाब है, नायाब से हमने यहाँ पे सपोज़ परचेस कर लिया, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में सपोज़ दे दिया कीबोर्ड 500, माउस। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर लगेगा इनपुट CGST और इनपुट SGST, ठीक है। ये हो गया हम लोग का परचेस का। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब सेल करेंगे। सेल में जाके सेल एंट्री में हम लोग यहाँ से सेल कर रहे हैं, शुभम से सेल कर रहे हैं। सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जैसे कीबोर्ड 10 पीस। प्राइस को यहाँ पे थोड़ा सा हाई कर देंगे क्योंकि सेल का प्राइस हाई होना चाहिए। माउस ये भी 10 पीस, इसका प्राइस को कर दिया 300, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, ठीक है, ये भी बन गया। उसके बाद अब क्या करना है, जब हम लोग बैक करके यहाँ से जाके चेक करेंगे, यहाँ से जाके अपना डिस्प्ले में यहाँ पे GST रिपोर्ट चेक करेंगे, तो यहाँ पे GSTR3 में जब देखेंगे तो यहाँ पे Alt+F1 करने पे हम लोग को डिटेल्स दिखा रहा है, ठीक है। ये देखो सेल्स का डिटेल्स दिखा रहा है ये, और GSTR2 में जब देखेंगे ये परचेस का डिटेल्स दिखा रहा है, ठीक है। तो GST को अब हम लोग एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, पहले जो पार्टी का पेमेंट और रिसीप्ट है वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। उसके लिए फर्स्ट क्या करेंगे, जिस पार्टी का बैलेंस शीट में जाके पहले आउटस्टैंडिंग देख लेते हैं। Alt+F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो टैक्स निकल के आ गया, हम लोग का टैक्स ड्यूटीज़ एंड टैक्स जो है 180 रुपीज़ टैक्स है, और लाइबिलिटीज़ हम लोग का कितना है 9620 रुपीज़, और हम लोग को मिलने वाला कितना है 10620 रुपीज़। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में आके पहले रिसीव कर लेते हैं, शुभम से रिसीव कर लेते हैं, रिसीव के लिए यहाँ से रिसीव में आ जाएंगे, रिसीव एंट्री में आ जाते हैं, और यहाँ से शुभम से हम लोग कैश में जैसे या बैंक के थ्रू रिसीव करना है तो Alt+C करके बैंक का लेज़र भी बना लो, बैंक का लेज़र बना लो। यहाँ पे आई थिंक बैंक बनाए थे ना,
चलो ठीक है, फिर से बना लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बैंक का लेज़र बना लिया। बैंक का लेज़र बनाने के बाद शुभम से हम लोग 10,620 रुपीज़ शुभम से रिसीव कर रहे हैं अगेंस्ट। ठीक है, और अब पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, पेमेंट कर रहे हैं नायाब को। कितना पेमेंट कर रहे हैं? 9,440 रुपीज़ ये हम लोग नायाब को पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग अब एडजस्टमेंट करेंगे। कैसा एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? एडजस्टमेंट का मतलब हुआ जब हम लोग परचेस किए थे नायाब से, सपोज़ कोई गुड्स अगर हम लोग परचेस कर रहे हैं, उस गुड्स का प्रोडक्ट, उस गुड्स का या उस सामान का प्राइस जो है 1,000 है, तो उस पर अगर 18% GST लग रहा है तो उसका रेट ऑफ वैल्यू क्या हो गया? 1,180 रुपीज़, यानी 180 रुपीज़ जो है उसके ऊपर GST लग रहा है। अब उस प्रोडक्ट को जब हम किसी अदर पार्टी को सेल कर रहे हैं, फॉर द एग्ज़ाम्पल हमने नायाब से परचेस किया 1,000 में, प्लस 180 उसके ऊपर GST लगा। अब हम लोग जो है शुभम को जब सेल किए, सपोज़ उसको 2,000 में सेल किए, 1,000 प्रॉफिट रख के 2,000 में सेल किए, तो उससे हम लोग को GST कितना मिला? 360। तो 360 जो मिला वो हम लोग क्या पूरा गवर्नमेंट को पे करेंगे? नहीं, उसमें से सिर्फ 180 पे करेंगे, क्योंकि 180 ऑलरेडी नायाब से जब हमने परचेस किया था तो ऑलरेडी हमने उसको पेमेंट कर दिया था। तो बाकी का जो प्रॉफिटेबल वैल्यू यानी प्रॉफिट के ऊपर जो हम लोग का टैक्स मिल रहा है वो हम लोग को सिर्फ पे करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग जनरल में जाएंगे। जनरल में जाने के बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग पहले लेंगे आउटपुट CGST, जिसका वैल्यू ज़्यादा रहता है उसको पहले लेना पड़ता है। यहाँ पे देखो 810 रुपीज़ दिखा रहा है, 810 रुपीज़ दे दो, फिर बाई लो, फिर आउटपुट SGST, ठीक है, ये भी 810 रुपीज़। उसके बाद टू में हम लोग को क्या लेना है? टू में हम लोग को इनपुट CGST। अब हम लोग को इनपुट CGST सपोज़ मालूम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करके 810 प्लस 810 माइनस 900 एंटर करेंगे, हम लोग को पता चल जाएगा इनपुट का मेरा वैल्यू इतना था। फिर यहाँ पे इनपुट CGST और इनपुट SGST लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे दे देंगे GST पेएबल, यानी उस हिसाब से हम लोग को GST कितना पे करना है, हम लोग को GST और 180 पे करना है। जो हम लोग वहाँ पे जाके अभी चेक किए थे तो लाइबिलिटीज़ में हम लोग को 180 रुपीज़ दिखा रहा था। तो जैसे ही हम लोग ये पेमेंट कर देते हैं, तो पेमेंट करने के बाद अभी यहाँ पे जब बैक करके अगेन जब जाकर हम लोग बैलेंस शीट में चेक करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट F1 करेंगे तो अभी भी दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अभी पेमेंट हुआ नहीं है, अभी एडजस्टमेंट हुआ है। अब हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाके यहाँ से पेमेंट में जाएंगे, और पेमेंट में जाने के बाद यहाँ से बैंक से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन पेमेंट करते वक्त एक चीज़ बताए थे, उसके लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा? स्टार्ट पेमेंट में, यानी स्टार्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टार्ट एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट अलग चीज़ हो गया और स्टार्ट पेमेंट। तो इसके लिए हम लोग को कहाँ जाना है? ऑटो फिल में जाना है, और ऑटो फिल में जाने के बाद हम लोग को मिलेगा स्टार्ट पेमेंट, और यहाँ मिलेगा GST, और यहाँ पे रेगुलर, बाकी ये देखो 1 ईयर का जो एडजस्टमेंट अपना है यहाँ पे। GST का अगर डिटेल्स तुम्हारे पास अवेलेबल है तो प्रोवाइड कर सकती हो, नहीं तो नो करके इससे निकल जाना है। यहाँ पे GST पेएबल करना पड़ेगा 180 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से बैक करेंगे, और बैक करने के बाद अगेन जब हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे और यहाँ पे ऑल्ट F1 करेंगे तो देखो 180 रुपीज़ जो था वॉट स्टैंडिंग वो क्लियर हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, GST एडजस्टमेंट, किस तरह से टैली में हम लोग का जो आउट स्टैंडिंग GST है वो किस तरह से हम लोग GST को एडजस्टमेंट करेंगे, और उसके बाद स्टार्ट पेमेंट के ज़रिए किस तरह से गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। डैट्स ऑल।